नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, महिला कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने पीसीसी कार्यालय पहुंचे कमलनाथ ने महिला कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने की अनेकों बातें कही। इसी के साथ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि उनके संगठन से है, उनके धन बल से और प्रशासनिक अमले से है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा ध्यान मोड़ने की राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी 2019 से पहले रोजगार की बहुत बातें किया करते थे, लेकिन 2019 के बाद राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। रोजगार किसानों और नौजवानों का नाम भी नहीं लेते हैं। इसी के साथ महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं और महंगाई बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिला उत्पीड़न की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। महिला कांग्रेस को किस प्रकार की प्राथमिकता दी है, किस प्रकार की शक्ति दी है? कौन सी बात हो गई? आज बड़ा अधिवेशन महिला कांग्रेस के नेतृत्व में 8 मार्च को होने जा रहा है। हाँ, महिला अधिवेशन हो रहा है क्योंकि आज महिला शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। महिलाओं में आज ज्ञान है जो पहले ज्ञान नहीं था, और महिला ही हैं जो सच्चाई सबसे पहले समझती हैं। तो मैं तो महिलाओं से अपील करता हूं कि सच्चाई समझें, सच्चाई अपनाएं और सच्चाई का साथ दें। सर, उपाध्यक्ष पद पे कैंडिडेट उतार रहे क्या? उपाध्यक्ष पद पर कैंडिडेट अभी हमने तय नहीं किया, हम मीटिंग कर रहे हैं तब हम तय करेंगे। देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में चाहे हम डीजल की बात करें या पेट्रोल या गैस की रेट की बात करें या महंगाई की बात करें या मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए महिला अत्याचार की बात करें, रेप गैंग रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। शर्म आनी चाहिए शिवराज सरकार को कि वो इस पे अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की घटना आपको पता होगा, शहडोल में भाजपा का मंडल अध्यक्ष द्वारा गैंगरेप किया गया, 4 लोगों ने गैंगरेप किया है। भोपाल में भी कोलार की घटना आपसे नहीं छुपी है, कल मॉडल स्कूल के पास भी, एक रेलवे स्टेशन के पास भी। लगातार मध्य प्रदेश में महिला, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, और न महंगाई की मार से भी परेशान थी, ऊपर से हम लोग सुरक्षित भी नहीं है। तो ऐसे समय में ऐसे मुख्यमंत्री को हम लोग चेताना चाहते हैं। 8 मार्च को हमारा महिला सम्मेलन, महिला सम्मेलन के बाद हम इनका घेराव करेंगे और इनको ये बताएंगे कि जिन महिलाओं ने आपको गद्दी पे बिठाया था वो जल्द आपको उतार फेंकेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई और डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हैं और अत्याचार बढ़ा है, तो इसमें आने वाला समय इनके लिए बहुत मुसीबत का आने वाला है। देखिए, हमारा टारगेट तो ज्यादा से ज्यादा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गाड़ियों को रोकें। आज भी महिलाओं की गाड़ियों को लाल घाटी पर रोका गया है, मुश्किल में निकल पाई है। तो हमारा टारगेट तो 10,000 का है टारगेट, लेकिन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उससे ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। महिला शक्ति हमारी आज खुद अपने आप निकल के बाहर आ रही है और इनको जवाब देगी कि आपने जो मध्य प्रदेश को बहन और बेटियों के नाम से अपनी पहचान बनाई थी, ये बहन बेटी आपको इसका जवाब जरूर देंगी। मुख्यमंत्री हाउस का घेराव करेंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री हाउस का घेराव करेगी मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.